Welcome to Versus. I'm Anjali Istwal, and once again we are on the streets of Delhi. We are at Tilak Nagar metro station. This is the place that saw a very large spurt of rumor mongering on Sunday evening. Suddenly everybody was reporting from here that there is unrest, there is violence, but later on it all turned out to be false. But what is the reason behind this? The simple answer is that people are scared. They are scared because they don't know who's going to protect them. They cannot trust the state government, they cannot trust the central government, nor can they trust the Delhi police. That is why there is so much of fear mongering going on. Who exactly is responsible for this fear in the hearts of Delhi people? We are here to talk to two special guests. We have Jarnail Singh, he's the MLA from this area, and we also have Neha Shalini Dua, who is a supporter of BJP. Mr. Jarnail Singh is from Aam Aadmi Party, and we are going to try and find out what is the reason that people got so scared without any reason. Mr. Singh, let's begin with you. Yesterday, suddenly, not just Tilak Nagar metro station, I would say almost in every part of Delhi, we were hearing these rumours coming in. But the big issue is Aam Aadmi Party, the Chief Minister, they have failed to get people of Delhi to believe that no, they are safe. They have completely failed in that. सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंडर आता है पर जहाँ तक बात दिल्ली वालों की सेफ्टी की है हम सबकी जिम्मेवारी बनती है और लकीली उस समय मैं तिलक नगर बाजार के अंदर ही था माल रोड मार्केट पे लगभग 7 बजे के आसपास एकदम भगदड़ मचती है पहले मेरे को कॉल आती है कि ख्याला एरिया में दंगे हो गए मैंने कन्फर्म किया अपने सोर्सेज से SHO ख्याला से बात की वो बताते हैं जी कुछ और इशू था कुछ शराब के जो तस्करी जो होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ इशू था वो रिजोल्व हो चुका है उसी टाइम पे मैं देखता हूँ कि लोग भागते हुए आना शुरू कर देते हैं माल रोड मार्केट की तरफ से तो बहुत घबराए हुए थे इवन ट्रैफिक जाम भी लग गया मैंने पूछा उनसे क्या हुआ कह रहे जी दंगे हो गए तो मैंने पूछा आपने देखा किसी को मारते हुए कुछ मार पिटाई होते हुए आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं जी देखा नहीं पर शोर मच रहा है दूसरे से पूछा तीसरे से पूछा मैंने उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया एक के बाद एक दुकानें बंद हो जा रही हैं सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो चुकी थी तब तक पर मैंने जिम्मेवारी समझते हुए उन सब मार्केट वालों को दुकानदारों को आम लोगों को साथ लिया कि चलिए चल के देखते हैं कौन लोग हैं और वो लोग मेरे साथ चले और करते करते हमने पूरी मार्केट का उसी टाइम पर जब ये भगदड़ मची हुई थी पूरी मार्केट का हमने राउंड मारा और सबको समझाया कि कुछ भी ऐसा दंगा नहीं हुआ मीनवाइल चार जगह से और कॉल आ गई एक ने बोला जी शाहपुरे में चाकू किसी को मार दिया एक ने बोला जी अशोकनगर में मार दिया तो उनको हमने समझाया भी साथ साथ बात भी की सब जगह और क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा सिर्फ साजिश के तहत लोगों में डराने की लोगों में ऐसे डराने की अफवाह फैलाई जा रही कि दंगे आई एग्री विद यू मिस्टर जनरल सिंह बट व्हाई डू यू थिंक पीपल गॉट सो स्केयर्ड सो इजीली देयर इज अ रीजन ऑल दीस पीपल दैट यू सी अराउंड अस दे हैव लॉस्ट फेथ They've lost faith in the state government. They've lost faith in the central government. They are scared. They think if anything happens, nobody is going to come and save them. And for that, do you believe in some part? Do you accept responsibility as Aam Aadmi Party people? CM ne photo pose ki jab itna danga chal raha tha. He was at the Rajghat posing for a photograph, but he never went to the people. He should have gone amongst the people. देखिए इसमें सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी और जवाबदारी तय करनी पड़ेगी. मैं अभी सीधा दिल्ली विधानसभा पे आ रहा हूँ. और वहाँ पर ये एक कमेटी बनाई गई है कमेटी ऑन पीस एंड हार्मनी ये उसकी पहली आज मीटिंग हुई है और उसमें क्लियरली डिसाइड कर दिया गया जब इस तरीके का कोई दंगा भड़कता है या अफवाह भी होती है नुकसान तो होता है कल दंगा नहीं हुआ पर भगदड़ में किसी की जान जा सकती थी बिल्कुल हो सकता है ना ऐसा तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं आजकल सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है मैंने ऑन द स्पॉट लाइव किया तो बड़े सारे लोगों ने मेरे को थैंक यू किया कि हाँ जी हम अब अपने आप को हमें रूमर आपने क्लियर कर दिया कोई ऐसा नहीं हुआ तो सोशल मीडिया पे जो लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं जो ये र्यूमर मॉन्करिंग करते हैं इनके लिए खास एक प्रावधान किया गया है कि आप किसी भी तरीके का कम्युनल वायलेंस फैलाने वाला मैसेज अगर स्प्रेड करेंगे तो आप पे 3 साल की आपको जेल हो सकती है कल हम नंबर भी इशू करेंगे कल हम वेबसाइट भी इशू करेंगे ईमेल एड्रेस भी इशू करेंगे कि एटलीस्ट हर आदमी हम देखते हैं इवन RWS के अंदर ग्रुप्स के अंदर मार्केट एसोसिएशंस के ग्रुप के अंदर ये हेट्रेड वाले जो मैसेज स्प्रेड किए जाते हैं ओके यू हैव कम बैक टू यस्टरडेज इशू आई एम टॉकिंग अबाउट द लार्जर एस्पेक्ट आल्सो नेहा आई वांट टू आस्क यू
One of the biggest grouses of the Delhi people is that the Delhi police was nowhere to be seen. That comes directly, as Mr. Janel Singh has pointed out, that comes directly under Home Ministry. BJP has failed to do anything in these riots. They've completely failed. But yesterday police did applauded work. You have to appreciate that thing ki kal jo police ne kiya, otherwise yahan itna panic ho gaya tha. There was a fear mongering ke hindu muslim ke rights ho gaye hain, ye dar baitha diya gaya tha logo ke zehen mein. To agar police ne kal ye situation control mein nahi ki hoti, Delhi police ne, to mujhe nahi lagta ki aaj ye sare log safe hote. Ye aap main koi bhi safe nahi hota. To kal jo clearly message ye jata hai ki Delhi police ne jo kaam kiya hai wo waqai mein sarahaniya hai, usko applaud karna chahiye aur uske liye taaliyan bajani chahiye. Hum hamesha point out karte hain ki police ne kya kiya, police ne kya kiya, prashasan ne kya kiya, पुलिस ने क्या किया. पुलिस उस वक्त 205,000 की भीड़ के बीच में खड़ी हुई है जो हाथ में राइफल्स तमंचे लेके और एसिड बॉम्ब्स लेके खड़े हुए हैं. पुलिस उसमें वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, दे हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट हिज लाइफ फर्स्ट देन टू प्रोटेक्ट आवर लाइफ. अगर वो अपनी लाइफ ही नहीं बचा पाएंगे तो आपकी मेरी हम सब की कैसे बचा सकते हैं. तो यहाँ मैं यही कहूंगी कि लोगों को भी समझना चाहिए ये फियर मॉन्गरिंग कौन कर रहा है और कौन फैला रहा है. आप देखिए इस चीज की शुरुआत जो CA की है वो कहाँ से हुई. फ्रॉम द बिगनिंग आप CA का देखिए, अरुंधति रॉय पहुंची थी JNU में, वहां उन्होंने सबके सामने खुले में कहा कोई तुमसे तुम्हारी आइडेंटिटी मांगे कहना रंगा बिल्ला है, मैं नाम मेरा कहना कुंफू पांडा है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी मत दिखाना. यू हैव द आइडेंटिटी, आई हैव द आइडेंटिटी, बट इफ यू गोइंग टू ब्रिंग दैट आउट वी हैव मोर इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स दैट केम फ्रॉम बीजेपी लीडर फ्रॉम अ यूनियन मिनिस्टर हिमसेल्फ. सो आई एम एक्चुअली सेइंग टू एक्चुअली अक्यूज सिविल सोसाइटी पीपल ऑफ दैट यू हैव टू फर्स्ट लुक इन टू योर ओन पार्टी एंड सी हाउ दे हैव बिहेव. बट अंजलि टेल मी फ्रेंकली दैट हु पीपल आर हाइड देयर आइडेंटिटी, टेररिस्ट, ओनली टेररिस्ट और कौन? आप छुपाएंगे? मैं अभी कहूँ आप अपना आधार कार्ड दिखाइए, आप अपनी आइडेंटिटी दिखाइए, आप फट से दिखा देंगे. सिविल डिसोबीडियंस बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली, उन्होंने ऐसे नहीं किया था जैसे वो कर रही हैं. तो ये एक फियर मॉन्गरिंग की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी. आपसे कोई आपकी आइडेंटिटी मांगे, आप किसी होटल में भी जा रहे हैं, आप अपनी आइडेंटिटी देंगे बिकॉज होटल में अदरवाइज आपको रखने ही बैठने ही नहीं देंगे. नेहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ. आप मुझे ये बताइए, द वे अरविंद केजरीवाल रिएक्टेड टू द रायट्स, टू द वायलेंस, डू यू थिंक इट वॉज एडिक्वेट और ही कुड हैव डन मोर? एग्जैक्टली, बहुत कुछ करना चाहिए था, वो उस टाइम पे वो सब कुछ नहीं कर पाए. क्योंकि आप देखिए ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर हैं, उनके घर से पेट्रोल बॉम्ब मिलते हैं, गुलेले मिलती हैं और कितने सारे पत्थर मिलते हैं, बहुत सारे. नहीं, मैं बताती हूँ, उनका भी मैं बताती हूँ. कपिल मिश्रा को पकड़िए ना आप. कपिल, बिल्कुल रुकिए, कपिल मिश्रा बोल रही हूँ, आप सुनिए तो सही. कपिल मिश्रा, एक सेकंड, मैं मना नहीं करी, आप मेरी बात तो सुनिए. कपिल, एक बार बोलने का मौका दे, एक सेकंड. कपिल मिश्रा का हम बोलते हैं प्रवोक करना और घर के अंदर से बॉम्ब निकलना. आपके काउंसलर के घर से बॉम्ब निकले हैं भाई, और कपिल मिश्रा ने जो बोला है उसको जेल करो. जनैल सिंह साहब, वन क्वेश्चन. ये जो कल लोगों के घर में यहाँ पे दहशत फैली है, ये जो दहशत फैली है किसने फैलाई है? अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि इन्हीं के ताहिर हुसैन के यहाँ से पेट्रोल बम निकले और लोग इतने डर गए कि इतने के हल्के से यहाँ झटका भी आए तो लोग डर जाते हैं. ये डर किसने बिठाया? ये CM ने. आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ आई रिक्वेस्ट यू ऑल मैम आई रिक्वेस्ट यू टू काम डाउन. वी आर गोना गिव एवरीवन अ चांस टू स्पीक. मैडम, आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखें, जो बोल रहे हैं उनको एक बार पहले सुन लीजिए क्योंकि ये मेहमान आया है. ओके, शी इज अक्यूजिंग आम आदमी पार्टी, या आम आदमी पार्टी ऑफ बीइंग वेरी लैक्स अबाउट इट एंड नॉट प्रोवाइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, बट ऑल्सो आपके जो पार्टी के ताहिर हुसैन है उनका नाम सबके सामने आया. तो पहले एक चीज स्पष्ट कर दें, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने की जिम्मेवारी किसकी है, पहला मेरा सवाल. दूसरी बात,
मैडम ने बताया जी पुलिस कल यहाँ पर थी, मैडम वहाँ पर नहीं थे, मैं वहाँ पर था, मेरे साथ सैकड़ों लोग वहाँ पर थे, एक आदमी, एक सेकंड मैडम आप देखा, सब फेसबुक पे, सब ऑन रिकॉर्ड है, सब ऑन रिकॉर्ड है, सब ऑन रिकॉर्ड है, मैं बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। मार्केट का दौरा किया, पूरी मार्केट एक तरफ से दूसरी तरफ घूमी गई, जो पुलिस बीट बॉक्स है उसको लाइव कैमरा पे दिखाया गया, पुलिस बीट बॉक्स खाली पड़ा है, एसएचओ को, उसके बाद एसीपी को, उसके बाद डीसीपी को, सबको फोन किया जा रहा है, कोई लाइन पे नहीं आ रहा। मैं दिखा देता हूँ, आप ख्याला की बात कर रहे हैं, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हम खड़े हैं। कल उसके बाद एक पुलिस हेड कॉन्स्टेबल आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप अब क्या आ रहे हैं जब सब सारी सिचुएशन शांत हो चुकी है। एक सेकंड, मैंने उसके बाद पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल बोलते हैं जी मेरे को ऊपर से डायरेक्शन थी कि यहाँ पर आ जाओ सारे, यहाँ से हट जाओ, ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वीडियोस मेरे पास हैं। दूसरी बात, ताहिर हुसैन पे एफआईआर हो गई, मामला सब ज्यूडिस है, हम कहते हैं जिसने भी गलत किया है, जिसने भी दंगे फैलाने की कोशिश की है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। पर कपिल मिश्रा पे एफआईआर नहीं होती, पर अनुराग ठाकुर पे एफआईआर नहीं होती, कौन इंश्योर करेगा? जो जज मुरलीधरन जी ऑर्डर देते हैं 24 घंटे में एफआईआर करो, उनका ट्रांसफर हो जाता है। चलिए, ओके ओके, सो बोथ ऑफ यू हैव पीपल टू अक्यूज, ओके, आई जस्ट वांट टू आस्क अ फ्यू पीपल ओवर हियर, कॉमन पीपल, एक सेकंड रुकिए, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, दिल्ली में अगर दंगे हुए तो उसमें कोई ऐसा आपको नजर आए जिसने उसको रोकने या उन्हें कम करने की कोशिश की? पुलिस वालों ने तो पहले हम लोगों से फोन ही नहीं उठाए, जो मैम कह रही उन्होंने कंट्रोल कराया, एक घंटे तक उन्होंने फोन नहीं उठाए। जब अभी हमारा तहर को तुम बंद करना चाहते हो तो कपिल मिश्रा ने नहीं, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, अगर 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 पुलिस ने फोन नहीं उठाए और कुछ नहीं किया तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुख्यमंत्री ने क्या किया? एक सेकंड रुके, मुख्यमंत्री ने क्या किया? मुख्यमंत्री ने क्या किया? देखिए, दंगा भड़काने की जहाँ तक बात आई है, जहाँ तक दंगा भड़काने की बात है, अभी तक जिसने दंगा भड़काया उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा? जब ताहिर आप कर रहे हैं, ताहिर को हर जगह से हटा दिया, उसके बाद भी जो दंगा भड़का रहे हैं, अभी तक वो खुलेआम घूम रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल ने किया है, क्यों नहीं किया दंगा खत्म करने के लिए? अगला ने उसको उसी वक्त हटाया है ताहिर को, जैसे वो गलत पाया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया? अभी तक कपिल मिश्रा खुलेआम घूम रहे हैं, उस पर कोई बताए? ओके, जस्ट रिलैक्स, वी आर एक्चुअली बॉम्ब इनके विधायक के, सॉरी इनके काउंसलर के घर से मिलते हैं, और अनुराग ठाकुर का नाम लेते हैं। अनुराग ठाकुर ने अगर बोला कि गद्दारों को गोली मारो तो मतलब गद्दारों को बोला, ये नहीं बोला? पहले एक सेकंड, पहले ताहिर समाप्त कीजिएगा, पहले जनरल सिंह जी आप अपने यहाँ लेडीज को एक सेकंड बोलिए, आप लोग प्लीज शांति, एक साथ सब लोग बोलेंगे ना, इट इज नॉट गोइंग टू गेट रिकॉर्डेड, नोबडी कैन लिसन टू इफ फाइव पीपल आर द क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, दे हैव सेड क्लियरली ताहिर हुसैन को अरेस्ट करवा दीजिए, लेकिन आप लोगों की पार्टी की तरफ से किसी का नहीं आया ऐसा बयान, ठीक है? सिर्फ गौतम गंभीर है जिन्होंने कुछ कहा है इस मामले पे। What I'm trying to ask you is, I'm asking when the city was burning, there was no one to help, neither from Aam Aadmi Party nor from BJP, neither from state government nor. What I'm asking you is, do you believe that there was more that could have been done by both the governments? At that time, I know that it was a lapse of security and. उसमें रीजन क्या था? रीजन बिहाइंड दैट कि इंटेलिजेंस की हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी, इस वजह से लैप्स हुआ है, ये मैं मानती हूँ, इसके लिए एग्री, बट आप बताइए, पहले आप मेरी बात को सुन लीजिए, कपिल मिश्रा ने अगर कोई भी भड़काऊ भाषण दिया है तो उनके ऊपर केस चलेगा और चलना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आपके आपके विधायक के, आपके काउंसलर के घर से बॉम्ब मिलते हैं, आप बॉम्ब और बात को, आप बॉम्ब को और बातों को, एक वर्बली कुछ बोलना और एक बॉम्ब लेके बैठा होना अपने घर में, आप इसको बराबर समझते हैं? चलिए, नाउ वी हैव वन वे थिंग वी आर गोइंग टू डू इज टॉक टू द पीपल ऑन दिस साइड वेरी क्विकली। यहाँ पे मैं दो तीन लोगों से पूछना चाहूंगी, आप लोग क्या मानते हैं, जब दिल्ली जल रही थी, क्या दोनों सरकारें, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो, उन्होंने कोई काम किया है? किसी ने रोकने की कोशिश की है? मैडम, आपको बताना चाहता हूँ और जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कल अफवाह हुआ था, मैं सिख भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ,
मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्रिश्चियन भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जैसा फवा हुआ था, पुलिस भी नजर नहीं आते, एक भी घर नहीं बचता। मैं धन्यवाद देता हूँ जनता को कि होश में रहकर कोई दंगा नहीं होने दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जहाँ हिंदू रहते हैं वहाँ पांच घर मुसलमान रहता है, रात में नहीं सोता है। मैं धन्यवाद देता हूँ, जहाँ मुसलमान है वहाँ पांच हिंदू भाई रहते हैं, उस हिंदू मुसलमान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। We're going to take a very short break and try and calm everyone down and then come back and speak to people and try and find out if they actually believe that it's only the opposite party that is failing and nobody is ready to see what's wrong with the problem, the security in Delhi. Time for a short break now. Welcome back to Versus. We are at Tilak Nagar, where all the rumors had started on Sunday evening. And now we are talking to the common people to trying to find out what they think, how the two governments failed them. Jab dange bhadke the Delhi mein, dono sarkare, chahe Rajya Sarkar ho ya Kendra Sarkar ho, kya unka response, chahe humare Mukhyamantri ho jo Rajghat pe jaake baithe ho, ya chahe humare Griha Mantri ho jo Trump ka welcome kar rahe ho, dono sarkaron ka response, uske bare mein aap kya sochte hain? हम रिस्पॉन्स तो दोनों गवर्नमेंट का ही बहुत बेकार था। एंड मैम, बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दे जस्ट होवर अराउंड द मेन टॉपिक्स, दे डोंट स्टिक टू द मेन टॉपिक्स। एंड बाल गंगाधर तिलक सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, सिमिलरली सिटीजनशिप इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आई विल नॉट शो अ सिंगल पीस ऑफ पेपर टू प्रूव माई सिटीजनशिप। एंड मैम कहती हैं कि आधार कार्ड दिखाइए, वो दिखाइए। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर जी ने यही कहा है कि आधार कार्ड इज नॉट वैलिड फॉर सिटीजनशिप। सिमिलर और दे आर सेइंग कि ताहिर हुसैन ने दंगा करा है। अरेस्ट हिम ना, किसने मना करा है? बट ऑल्सो अरेस्ट गोली मारो सालों को एंड परवेश वर्मा, एक सिटिंग सीएम को यू आर सेइंग दैट ही इज अ टेररिस्ट। हाउ कैन यू पुट सच एन एलिगेशन ऑन अ सिटिंग सीएम? Right. And so you feel both of them failed miserably. आप क्या मानते हैं, दोनों सरकारों में कोई रिस्पॉन्स था? अरे जो भी कहा भैया ने सही कहा मैम, रात को जब यहाँ पर थे कुछ भी नहीं था, बस पुलिस कुछ नहीं था, लोग भाग रहे हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा, इधर उधर खाली मुली में ऐसी आम आदमी, कोई सुरक्षा नहीं थी। हाँ, आप क्या मानती है मैडम, आपको लगा कि आपको चाहे आपके मुख्यमंत्री या आपके गृह मंत्री दोनों ने आपका जब दंगे हो रहे थे आपको लगा कुछ किया उन्होंने? हाँ जी, दंगे में तो हम तो दिल्ली में नहीं थे, हम तो जम्मू में थे। जब दंगे हुए थे 84 के दंगों में, जैसे कि सरदारों को टायर डाल के मारा सबने, वो ही कल भी हवाड़ उड़ाई है कि दंगे फसाद हो रहे हैं, भागो भागो, लोग ऐसे भागे है कि दिल्ली भर ही बंद होगी कल सारी। हमारे बच्चे भी बाहर थे, गाड़ियां बंद हो गई, दुकानें बंद, एक घंटे बाद दुकानें भी खोल दी। फिर और ये अफवाह, दीज रूमर्स डोंट हेल्प एनीवन, दे आर एक्चुअली वेरी हार्मफुल। आप क्या मानते हैं जी मैडम? वो रोजी रोटी है, रिक्शे वाले बैटरी वाले जो चलाते हैं। हम यहाँ पर 7 बजे से लेकर और 9 बजे तक थे, लेकिन यहाँ पर बीट का एक भी अफसर नहीं था। ठीक है, हमारे विधायक यहाँ से जनरल सिंह थे, जिन्होंने पूरे तिलक नगर का राउंड लेकर सबको आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे जनरल सिंह की जीत है, हमारे सब देशवासियों की जीत है। उन्होंने सबको आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं लगातार कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ SHO साहब से भी, DCP से भी, हर किसी से, ख्याले में भी। यहाँ उन्होंने कहा कि अशोक नगर में हुआ, उन्होंने फोन मिलाया, हमारे साथ पूरे राउंड पर बैठे वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। यू नो, इट इज हाईली अप्रिशिएटेड फॉर यू मिस्टर जनरल सिंह दैट व्हेन समथिंग लाइक दिस वाज हैपनिंग यू वेंट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड रीअश्योर्ड पीपल। माय क्वेश्चन इज, देयर आर 5 आम आदमी पार्टी MLAs इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली इन द राइट स्ट्रिकन एरियाज, देयर आर 2 BJP MLAs ऑफ द राइट स्ट्रिकन एरियाज, नन ऑफ देम स्टेप्ड आउट व्हेन द dangas were happening, when the riots were happening, when the violence was happening. Would you not want your colleagues to have done the same thing that you did at that point of time and saved so many people? Main do hisson mein aapki ye sawal ka jawab de raha hu. Sabse pehli baat, koi bhi aisi emergency situation hoti hai, aap sawal kar rahe hain home minister ke upar, aap sawal kar rahe hain CM ke upar, par in case of emergency log kya karte hain, police ko call karte hain। पुलिस अगर सही से रिस्पॉन्स नहीं करती तो उसकी जवाबदारी किसकी है? होम मिनिस्टर की। तो यहाँ CM क्या कर लेगा? और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकते थे हमने किया, हमने गली गली घूमी, हमने फ़ोन करके, फेसबुक लाइव करके, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, हर तरीके से ये र्यूमर को क्लियर करने की कोशिश की कि तिलक नगर का माहौल बिल्कुल ठीक है, लोग एकजुट हैं, सिर्फ दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, उससे आप सावधान रहें, एकजुट रहें। वो हमने किया।
और मेरे हिसाब से ज्यादातर सब MLAs ने ये किया अपने अपने एरिया में। आप MP से भी जवाबदारी तय कीजिए, साथ में से एक MP भी क्यों नहीं दिखता वहां पर इतने जब रोड्स होते हैं, तो सबकी जवाबदारी तय होनी चाहिए ना। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, हमारे हाथ में जितना है हम उससे ज्यादा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की सीधी सीधी जवाबदारी गृह मंत्री अमित शाह जी की है, उनसे क्यों नहीं जवाबदारी तय की जाती? अगर कपिल मिश्रा के ऊपर FIR नहीं होती, अगर अनुराग ठाकुर के ऊपर FIR नहीं होती, तो गृह मंत्रालय की जवाबदारी तय क्यों नहीं की जाती? कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी जज चेंज कर दी जाते हैं, ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर? आपके जो ताहिर हुसैन है उनके घर बॉम्ब पड़ रहे हैं। अच्छा अमानतुल्ला, अच्छा आप सुनिए, अमानतुल्ला पे क्या क्यों नहीं? उन्होंने बोला कि टोपी पहनने वाले लोगों को आज हिंदुस्तान में रहने के लिए खतरा है। अमानतुल्ला ने ये भाषण दिया ड्यूरिंग इलेक्शन, उन्होंने दंगे फसाद करवाए, तो अमानतुल्ला पे कोई FIR नहीं होनी चाहिए? अमानतुल्ला को ऐसे छोड़ देना चाहिए? और अगर पुलिस की जिम्मेवारी पहले बनती है, अगर यहाँ कोई राइट्स होते हैं तो पुलिस जब तक नहीं आती उससे पहले जिम्मेवारी या पार्षद की होती है या विधायक की होती है और सांसद की होती है, तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और अगर इन्होंने अच्छी जिम्मेदारी आपने करी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे अगर आपकी पार्टी के और विधायक भी करते तो क्या दिल्ली जलती? आपके विधायक, आपकी पार्टी के और विधायक भी ये करते तो दिल्ली जलती? सर आप बहुत नाराज है, बताइए क्या दिक्कत? मैं कहता हूँ किसी पार्टी का हो, दंगा जो भड़का है उसको बंद करना चाहिए, वो कपिल मिश्रा हो चाहे वो ताहिर हुसैन हो, कोई भी हो, किसी पार्टी का उसको बंद करे ना, झूठ को हवा देते हैं। मैं कहता हूँ ताहिर हुसैन भी हो उसको भी गिरफ्तार करो, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो अनुराग। कल जो यहाँ पे हुआ है उसके ऊपर किसी BJP नेता का बयान अभी तक नहीं आया। आम आदमी पार्टी के सारे MLAs दे रहे हैं जी, हम घूम रहे हैं, सब जगह शांति है। अभी तक हमने परमेश्वर का बयान देखा, कोई नहीं आया मैडम, कोई नहीं आया ना। आप ट्वीट, परमेश वर्मा जी ने ट्वीट किया है और बोला कि मेरे DTC, मेरी DCP से बात हुई है, शांति है सब जगह, अफवाहों पे ना। ये परमेश वर्मा जी ने कल जैसे दंगे बोल दिया। आई हैव शांति, एक सेकंड, आई हैव लास्ट 2 मिनट्स एंड आई एम गोना टेक नेहा, आई हैव लास्ट 2 मिनट्स, आप दोनों आपस में मत झगड़िए। आई हैव लास्ट 2 मिनट्स एंड आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू कि जो अभी दंगे भड़काए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, चाहे ताहिर हुसैन हो चाहे जो भी हो, जो भी पकड़ा जाए उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि देश में कोई दोबारा दंगे कराने की सोचे ना। पर ये नहीं होना चाहिए कि ताहिर हुसैन के अगर कुछ खिलाफ मिले ना मिले उसके ऊपर FIR हो। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और बड़े बड़े नेता सारे आम हजारों की भीड़ में भाषण दे, उनके ऊपर एक FIR तक ना हो, ये शर्मनाक है। गोली मारो स्लोगन इज इवन नाउ इन कोलकाता वी हैव हर्ड इट, ऑफ कोर्स गोली मारो गद्दारों को कहा है, कौन है गद्दार? आप लोग क्या समझते हैं कि सारे माइनॉरिटी गद्दार है? द प्रॉब्लम इज दैट BJP देन टेक्स इट अपॉन इटसेल्फ टू डिफाइन हु द गद्दार इज, दैट इज द प्रॉब्लम। एनीवे बिफोर वी पैक अप आई विल क्विकली आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ एक्शन वुड यू वांट टू सी सो दैट दिल्ली इज सेफ? जो पुलिस ने कल की है ऐसे ही मैं चाहती हूँ, जब तक पुलिस ना पहुंचे तब तक हर एरिया के काउंसलर, विधायक, MP सबकी जिम्मेवारी है कि वो कंट्रोल करे सिचुएशन को, ना कि फैलने दे ऐसे। ओके, सो वी आर होपिंग दैट द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मे हैव कंप्लीटली फेल इन प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी कवर टू द पीपल ऑफ दिल्ली, बट एटलीस्ट दे विल गेट जस्टिस for the people of Delhi. That's all we have for you in Versus. Thank you.